नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको हमारे बर्ड सेटअप की एक अपडेट देने जा रहा हूं। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा और शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब भी लगे ये सब देखकर, और काफ़ी सारे भाइयों को बुरा भी लगे जो कि मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं। तो दोस्तों सेटअप में कुछ बदलाव करने की तैयारी है, तो उस तैयारी में मैं अभी से लग गया हूँ। बर्ड्स काफ़ी अभी मैंने कम कर दिए हैं, आपको जो है बर्ड्स की चहचहाहट भी आपको बिल्कुल कम सुनाई दे रही होगी, क्योंकि कॉलोनी जो है बिल्कुल मैंने खाली कर दी है। अब खाली करने की वजह क्या है, तो जैसा मैंने अभी कहा कि सेटअप में मुझे काफ़ी सारे बदलाव करने हैं। अभी मैंने नए पिंजरे भी लिए थे, आप सभी जानते हैं, उससे पहले भी मैंने पिंजरे लिए और पिंजरे भी आएंगे, और सेटअप जो है हमारा थोड़ा सा और जो है वो बढ़ जाएगा। काफ़ी सारे बदलाव आएंगे और काफ़ी सारे जो है वो न्यू बर्ड्स भी आएंगे। बजरी के अलावा भी अलग अलग टाइप के मैं बर्ड्स जो है हमारे इस बर्ड सेटअप में ऐड करने वाला हूं, जिसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। अब कौन कौन से बर्ड्स मैं लाने वाला हूं तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस रहने दे तो ही अच्छा है। अब आप सभी जानते हैं कि सेटअप में बदलाव, फिर नए बर्ड्स की एंट्री, फिर पिंजरे भी अभी लिए और पिंजरे भी आएंगे, तो पैसा भी जो है वो काफ़ी लगेगा, खर्चा भी लंबा चौड़ा होगा। तो अभी से जो है वो धीरे धीरे मैं जो है वो बदलाव कर रहा हूँ, ताकि खर्चा जो है वो कम हो जाए, एक साथ जो है वो ज़्यादा खर्चा ना हो। क्योंकि फरवरी के बाद जो है वो मार्च में जो है वो मार्च के आखिर तक मटकियाँ वैसे भी हटना शुरू हो जाती है, ब्रीडिंग को हम ऑफ कर देते हैं, तो मैंने जो है वो 20 दिन एक मंथ पहले ऑफ कर दी, और कुछ जोड़े जो ब्रीडर जोड़े थे वो मैंने सेल भी कर दिए, जिससे मेरी पहले ही बात हो रखी थी, काफ़ी भाई पहले ही तैयार थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं कॉलोनी को ख़त्म करने वाला हूँ। तो लगभग सारे जोड़े जो हैं वो मैंने हटा दिए हैं, दे दिए। कुछ जोड़े जो मैंने रखे हैं, कुछ पट्टे रखे हैं, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं, और एक बार कॉलोनी भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको अपडेट दी जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी मैं सेटअप में करता हूं उसकी मैं अपडेट आपको ज़रूर देता हूँ। बाकी आप ऐसा ना समझे कि बर्ड्स मैंने हटा दिए, कम कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्ड्स और आने वाले हैं और बेहतरीन बर्ड्स आने वाले हैं, क्वालिटी बर्ड्स आपको सेटअप में देखने को मिलेंगे, कोशिश है मेरी तरफ से। बाकी देखते हैं कितना मैं जो है वो इसमें सफल हो पाता हूं, तो आप भी दुआ ज़रूर कीजिएगा और चैनल के साथ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। 50,000 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 50,000 तक जो है वो हमारी इस फैमिली को कम्प्लीट कर लें, पूरा कर दें। तो चलिए अब आपको मैं एक बार कॉलोनी दिखा देता हूँ। तो कुछ जोड़े जो मैंने सेपरेट कर दिए हैं, कुछ हमारे पुराने थे और कुछ जो हमने नए पिंजरे लिए थे, यहाँ पर कुछ जोड़े मैंने सेपरेट कर दिए थे और कुछ जोड़े ये रोके हुए हैं, तो देखते हैं बाकी आगे क्या करना है। बाकी ये आपको मैं कॉलोनी दिखा दूँ, ये देखें, ये सामने पूरी खाली हो चुकी है, कोई भी बर्ड्स आपको नज़र नहीं आ रहा है। कुछ पिंजरे मैंने यहाँ पर रख दिए और बिल्कुल एक खामोशी सी छा गई है, क्योंकि सिर्फ सेपरेट पिंजरे लगे हुए हैं। लगभग अगर गिने जाए तो लगभग 20-22 जोड़े अभी जो है वो सेपरेट पिंजरों में हैं, जो कि ब्रीड पर हैं, और कुछ ये जोड़े हैं। तो अब अंदर लेके चलता हूँ आपको। तो ये कुछ पिंजरे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये कुछ पट्टे मैंने रोके हैं, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, कुछ रेम्बो से निकले हुए हैं। ये देखें क्वालिटी, देखें आप, ये देखें कुछ क्लियर विंग्स है, होगोरोमो भी है, स्पेंगल भी है, और रेम्बो के हमारे जो स्प्लिट्स हैं वो भी हैं। ये तो अभी कुछ दिनों में इनको मैं कॉलोनी में भी जो है वो रिलीज कर दूंगा, तो ये कॉलोनी हमारी वापस जो है वो भर जाएगी। इस कॉलोनी में सारे पट्टों को मैं रिलीज कर दूंगा। अपडेट आपको देना जरूरी था, तो सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको अपडेट दी जाए। तो दोस्तों वेट कीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, सेटअप में जबरदस्त बदलाव जो है वो आने वाला है।
और दुआ भी जरूर कीजिएगा कि जो मैंने सोच रखा है वो सब कुछ सही तरीके से कंप्लीट हो जाए और एक अच्छा बर्ड सेटअप हमारा बनके तैयार हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।